आज की स्पीडो में हम देखेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर 4 है हमारा और पार्ट जो है इसका तीसरा है। ठीक है, तीसरा पार्ट है, हम पहले भी देख चुके हैं दो पार्ट की वीडियो। अब हम आते हैं थर्ड पे, तो ध्यान से देखिए, इसे समझिए। अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन जरूर कर लें। आपको PDF और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स वगैरह जो है ग्रुप में मिल जाएंगे। 1844 स्टूडेंट आज के समय में हमारे ग्रुप में एंटर कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर लो। देखते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे अपने टॉपिक की। सबसे पहला जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा स्तूप। तो एक बार ध्यान से देखिए, देखिए जैसे स्तूप हम वर्ड हमारे दिमाग में आता है ना, सुनते हैं, जैसे हम स्तूप सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है बौद्ध धर्म। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में मंदिर को पवित्र स्थान माना जाता है, उसी प्रकार से अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो स्तूप को वहां पे क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है। तो ये स्तूप है क्या, स्तूप आया कहाँ से, स्तूप कैसे बनाया जाने लगा, स्तूप का महत्व क्या है, बहुत सारे स्तूप से संबंधित क्वेश्चन होंगे वो हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, समझिए। ये यहाँ पे हम पहले NCERT की कटिंग को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने नोट्स को पढ़ते हुए चलेंगे और टॉपिक को खत्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तीन वर्ड आपके सामने आएंगे, उन वर्डों को समझना है। सबसे पहला वर्ड है वेदी, दूसरा वर्ड है चैत्य, और तीसरा वर्ड भी शायद यहाँ पे चैत्य ही है, लेकिन चैत्य का वहां पे मतलब अलग है और यहाँ पे मतलब अलग है। क्या मतलब है आखिर, ये अलग अलग क्या है, तो इसको समझते हुए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप ये समझिए कि बहुत ही प्राचीन काल से लोग जो हैं वो कुछ जगह को पवित्र मानते हैं। आखिर वो कुछ जगह को पवित्र क्यों मानते हैं और वो कुछ जगह कौन सी होती हैं? तो ऐसी जगह जहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की वनस्पति उग जाएं, या फिर मान लो जहाँ पे बहुत अजीब अनूठी चट्टाने हों, या जहाँ पे बहुत जबरदस्त प्राकृतिक सौंदर्य हो, तो ऐसे स्थान को क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है। कैसे स्थान को माना जाएगा, जहाँ पे अजीब बहुत अलग टाइप की वनस्पति हो, ठीक है, या जहाँ पर चट्टाने हों, या जहां पर बहुत ही सौंदर्य हो, मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह हो, तो ऐसी जगह को पवित्र माना जाता है। तो ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी बनी रहती है। अब ये वेदी जो है ये आपको समझना है। वेदी का मतलब बहुत सारे मतलब होते हैं वेदी के, पर यहां पे हम वेदी का मतलब जो इस टॉपिक से संबंधित है उसको समझेंगे। देखिए, हमारे घर में एक उदाहरण देता हूं, हमारे घरों में जो मंदिर होते हैं उस मंदिर में एक पवित्र स्थान सा बना देते हैं हम, जहां पे हम क्या करते हैं, जब हम जोत जलाते हैं तो वहां पे हम दिया जो होता है उसको रख देते हैं, या फिर हम धूप बत्ती वगैरह रख देते हैं, मूर्ति या फिर हम मूर्ति वगैरह रख देते हैं। ठीक है, ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है, वेदी कहा जाता है। तो वेदी एक तरह से ऐसा स्थान है मंदिर वगैरह में या स्तूप में या जहां पे भी जो पवित्र माना जाता है। ठीक है, या फिर मंदिरों में आप देखोगे एक चबूतरा टाइप का होता है ऊंचा सा, वहां पे भी दिए वगैरह रख दिए जाते हैं, तो इसी को वेदी कहा जाता है। या फिर ऐसा स्थान जहां पे यज्ञ किया जाता है, कुछ साफ सुथरा सा स्थान यज्ञ किया जाने वाला मंदिर में, उसको हम वेदी कह सकते हैं। तो वेदी एक स्थान को दर्शाता है जो पवित्र माना जाता है, जहां पे कुछ हम पूजा पूजा करने से रिलेटेड या फिर पूजा पाठ करने से रिलेटेड चीजों को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वेदी कहलाता है। इसी वेदी को कभी कभी चैत्य भी कहा जाता, ठीक है, कभी कभी इस वेदी को क्या नाम दे दिया जाता था, चैत्य कहा जाता था। तो ये तो हो गया चैत्य का एक मतलब कि वेदी को भी चैत्य कहा जाता था। ठीक है, अब एक और मतलब है चैत्य का, वो क्या हो सकता है, इसको समझिए। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे कुछ पॉइंट, ये समझना है। कहते हैं कि शव दाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते हैं। मान लो किसी का शव दाह किया गया और शव दाह करने के बाद शरीर के जो अवशेष बचे, कुछ हड्डियाँ वगैरह या जो विसर्जन के लिए जो भी बचा, उसको क्या करा, मिट्टी के जो टीले होते हैं, ठीक है, मिट्टी के टीले में उसको सुरक्षित रख दिया गया। इन्हीं अंतिम संस्कार वाले टीलों को कभी कभी क्या नाम दे दिया जाता था, चैत्य नाम दे दिया जाता था। तो इन टीलों को भी चैत्य कहा जाता था और वेदी को भी कभी कभी चैत्य कहा जाता था। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो चैत्य को क्या कहा जाता है, आप दोनों तरह से समझ सकते हो। ठीक है, तो चैत्य जो है, यहाँ पे एक शब्द जो आपके सामने आया है चैत्य, इसके दो तरह के मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो वो जो कोई टीला हो जिसमें अंतिम संस्कार से संबंधित कोई चीज़ गाड़ दी गई हो, रख दी गई हो, और दूसरा मतलब वो जो वेदी हो उस वेदी को भी चैत्य के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत बेसिक था, कुछ भी ज़्यादा समझना नहीं था, बस चैत्य वाला मतलब आपको समझना था। ये आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। अब हम चलेंगे स्तूप पर। स्तूप क्या होता है, तो देखिए स्तूप जो है एक अर्ध गोलाकार संरचना है, यानी कि कुछ इस शेप की जो संरचना होती है इसको हम क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने चित्र रखा हुआ है। स्तूप की परंपरा जो है वो बुद्ध से पहले की रही होगी, ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध से पहले से ही ये परंपरा थी स्तूप की।
ठीक है, बाद में नहीं आया, ये भगवान बुद्ध के पहले से स्तूप था, लेकिन बाद में इसको बौद्ध धर्म से जोड़कर देखा जाने लगा। आखिर क्यों जोड़ के देखा जाने लगा, इसको भी हम समझेंगे। तो यहाँ पे आपको ये लाइनें याद रखनी है सबसे पहले कि स्तूप जो है एक अर्धगोलाकार संरचना है, दूसरा स्तूप की परंपरा जो है वो भगवान बुद्ध से पहले की रही होगी। इसमें बुद्ध से जुड़े अवशेषों को दफनाया गया, यानी भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेष जब इसमें दफना दिए गए तब से ये बौद्ध धर्म में पवित्र माना जाने लगा और इस संरचना को बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिलती है, यानी बौद्ध धर्म का प्रतीक माना जाता है स्तूप को। तो ये जो स्तूप है ये कैसे बनाए जाते हैं, क्या मतलब तरीका होता है इसको बनाने का, क्या हो सकता है? तो देखिए, विभिन्न प्राचीन स्तूपों की वेदिकाओं, वेदी अभी मैंने आपको बताया था, वेदिकाओं और स्तंभों पर कुछ अभिलेख मिले हैं। अभिलेख जो पत्थर वगैरह पे खुदवाकर लिखवाया जाता था, तो कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं प्राचीन स्तूप में जाते हैं स्तंभों के आसपास। उन अभिलेखों को अध्ययन किया इतिहासकारों ने बहुत गहराई से, और जब अध्ययन किया तो उनको पता लगा कि ये जो स्तूप थे इसको बनाने और सजाने के लिए पैसा जो था वो दान से मिलता था, यानी दान दिया जाता था। तो आखिर ये जो स्तूप बनाए गए, इसको सजाया गया, इसमें तोरण द्वार लगाए गए, कई सारे मतलब खूबसूरत स्तूप मिले हैं, तो इसमें काफी पैसा लगा होगा, तो वो पैसा जो था वो दान से मिलता था, ये हमें पता लग गया। आखिर ये दान देता कौन था, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। तो दान कोई भी दे सकता था, दान कोई राजा दे सकता था, शिल्पकार लोग दे सकते थे, व्यापारी लोग भी दान देते थे, सामान्य महिला पुरुष जो थे वो भी दान देते थे, आम लोग जो होते थे वो भी दान देते थे, और कई जगह पे भिक्षु जो लोग हैं उन्होंने भी दान दिया। यानी इन सभी के दान के पैसे से या दान से जाकर ये स्तूप बनकर तैयार हो गए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसान। तो ये जो स्तूप है ना, ये डायरेक्ट इस तरीके से नहीं बनाए जाते। पहले स्तूप जो होते थे वो अलग तरीके से होते थे, उसको भी हम समझेंगे, और बाद में आगे कैसे बदल गए इसको समझेंगे। तो देखिए, स्तूप की संरचना, स्तूप का संस्कृत, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, इसे संस्कृत कर लो। स्तूप का संस्कृत अर्थ होता है टीला। टीला क्या होता है, एक शेप होती है कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे मतलब हम कहीं जा रहे हो, एक ऊंचाई सी, ऊंचाई सा स्थान देखे हमें बहुत अजीब सा थोड़ा इस तरीके से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टीला। यानी स्तूप का जो अर्थ होता है वो होता है टीला। इसका जन्म जो है वो एक गोलार्ध आकृति के मिट्टी के टीले से हुई, यानी एक गोल आकार का मिट्टी का टीला था, इसी से बन गया स्तूप, इसी से स्तूप धीरे धीरे बन गया। इसको बाद में अंड भी कहा जाता था, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये अंडे की शेप में है, हाफ अगर हम देखें तो अंडे की शेप में है, तो इसको अंड भी कहा गया। फिर आखिर ये बदल कैसे गया, मतलब ये मिट्टी के सिंपल सा जो टीला था, आखिर ये कैसे मतलब एक बड़ा और समृद्ध स्तूप का रूप इसने ले लिया, तो इसको समझते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी जो संरचना थी, स्ट्रक्चर जो था वो जटिल होता गया। अब क्या हुआ, जैसे मान लो कोई टीला है, उसके चारों तरफ बाउंड्री की जाने लगी, यानी उसको ऊंचाई से घेरा जाने लगा, फिर कुछ जगह पे स्तंभ लगाए जाने लगे, चारों तरफ खंभे लगाए जाने लगे, ठीक है, ऐसा होने लगा। फिर कुछ समय के बाद क्या किया गया, उसमें तोरण द्वार लगाए जाने लगे, ठीक है, तोरण द्वार, और फिर इसको थोड़ा सा इस शेप में बना दिया गया। उसके बाद यहाँ पे ऊपर हर्मिका लगा दी गई और छतरी टाइप की बना दी गई, कुछ इस प्रकार से इसका शेप जो था वो बदलता गया, ठीक है। तो आखिर मैं आपको एक चित्र दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इस चित्र को ध्यान से देखो आप, पहले जो स्तूप होते थे वो बिल्कुल सिंपल होते थे, मिट्टी के टीले, बस यही स्तूप था और कुछ नहीं था, मिट्टी का टीला होता था सिंपल, कुछ इस शेप में होता था और यही स्तूप होता था। लेकिन धीरे धीरे इसकी जो संरचना है वो जटिल होती गई। ये जो आप देख पा रहे हो, ये आपके सामने चित्र लिया है मैंने, ये है दिल्ली में, ये स्तूप जो है दिल्ली में, दिल्ली में कहाँ पे, दिल्ली में एक पार्क है जिसको बोला जाता है इंद्रप्रस्थ पार्क। अगर आप इंद्रप्रस्थ पार्क में कभी गए हो, आईपी पार्क भी कहा जाता है इसको, तो इसमें आपको ये बौद्ध स्तूप देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये शेप है इसकी, ये जो है इसको कहा जाता है तोरण द्वार, या आप जो देख रहे हो इसको क्या कहा जाता है, तोरण द्वार। आप देखो इसमें मूर्ति वगैरह बना रखी है, यहाँ से हम लेंगे इसके अंदर एंट्री। एंट्री आप करोगे, इसमें ना साइड का नहीं दिख पा रहा है, मैं इस पर गया हुआ हूँ तो मुझे पता है, मैं आपको बता देता हूँ कैसा है। आप यहाँ से जाके इधर जब लेफ्ट या राइट मुड़ोगे तो आपको एक सीढ़ियाँ मिलेगी, उस सीढ़ियों के जरिए आप यहाँ पे चढ़ पाओगे, और इसके चारों तरफ एक राउंड मतलब आप चक्कर लगा सकते हो गोल गोलाई में, ठीक है, और ऊपर यहाँ पे बुद्ध की मूर्ति आपको दिखेगी, और इसके ऊपर ये जो शेप है इसको हर्मिका कहा जाता है, और ये जो छतरी वाली शेप है इसको पवित्र माना जाता है इस सबको। तो ये कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। तो यही आपको बताया जा रहा है कि इसमें धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। पहले तो सिंपल मिट्टी का टीला होता था, लेकिन बाद में बदल गया। इसमें बाद में कई चौकोर और गोलाकार संतुलन बनाए जाने लगा, स्तंभ वगैरह बनाए जाने लगे, अंड के ऊपर हर्मिका होती थी, और ये छज्जे जैसी जो संरचना है ईश्वर का घर का प्रतीक माना जाता था।
इसके ऊपर छतरी लगी होती थी। तो ये आपको यहाँ पे जो दिखाया मैंने बताया, ये आपको चित्र में समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से इस चित्र को दोबारा देखो, देखो ये गोल शेप है, यहाँ पे आपको पूरा नहीं दिख रहा, कुछ इस प्रकार का शेप है ये, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपको अंड, इस अंड के ऊपर एक हर्मिका लगी हुई है कुछ इस तरीके से, ये जो आप देख पा रहे हो, और इसके ऊपर छतरी टाइप की लगी हुई है, इसके पीछे छुप रही है, यहाँ तक आती है छतरी कुछ इस प्रकार से। तो यही आपको बताया जा रहा है कि बाद में ये इस प्रकार से बनाया जाने लगा। स्तूप जो होता है इसके चारों ओर एक घेरा होता है और इस पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग किया जाता है। देखिए स्तूप जो होता है इसके चारों ओर, जैसे मान लो यहाँ पे स्तूप है तो इसको चारों ओर से घेर दिया जाता है ताकि ये सामान्य दुनिया से अलग लगे, ठीक है। और यहाँ पे जो बौद्ध धर्म होते हैं उसको पवित्र मानते हैं ताकि ये सामान्य दुनिया से अलग भी लगे, पवित्र स्थान माना जाता है। कुछ स्तूपों पर तोरण द्वार भी मिले हैं और इन तोरण द्वार पर नक्काशी की गई है। तोरण द्वार क्या है, आपको सांची के स्तूप वाला तोरण द्वार याद आ जाएगा जो मैंने पार्ट वन में पढ़ाया था, जिसको फ्रांसीसी और अंग्रेज अपने यहाँ ले जाना चाहते थे। ये जो आप देख पा रहे हैं स्तंभ और इस पे ये लगा हुआ, ये कुछ एक तरह से तोरण द्वार है। आप इसे ध्यान से अगर देखेंगे तो आप इस, आप इसमें देखेंगे कि इसमें बहुत सुंदर नक्काशी की गई, यानी डिजाइनिंग बनाई गई है। यहाँ पे आपको हाथी और शेर वगैरह के चित्र दिख रहे हैं, कुछ मूर्ति कला दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें बाद में होने लगी थी, ठीक है। बाद में तोरण द्वार भी लगाए जाने लगे और उसको सजाया भी जाने लगा। यहाँ पे देखो कितना खूबसूरत है, ये सांची के स्तूप का चित्र है, आप यहाँ से देख पाओगे, ये प्राचीन स्तूप है, ठीक है। वर्तमान समय के अगर आप बाद में बने हुए स्तूप देखोगे वो इनसे अलग मिलेंगे। प्राचीन स्तूप जो थे वो अलग होते थे और बाद के समय में बने हुए स्तूप थोड़े से अलग दिखेंगे आपको। अब देखिए एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म में जिसका नाम है अशोकावादन। अशोकावादन जो ग्रंथ है इसके अनुसार कहा जाता है कि जो अशोक था, सम्राट जो अशोक था, सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के जो अवशेष थे उसको कुछ अलग अलग मतलब हिस्सों में बांट दिया, अलग अलग शहरों में उसको ले जाया गया और कह दिया गया कि इसको अलग अलग शहर पे ले जाओ और वहाँ पे इसको गाड़ दो और उसके ऊपर क्या बना दो, स्तूप बना दो। ऐसा अशोकावादन नामक ग्रंथ से हमें पता लगता है। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर कई स्तूप बना दिए गए थे, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका, स्तूप तो आप समझ चुके हो, स्तूप क्या होता है। आप बोलोगे कि भाई स्तूप जो है बुद्ध बौद्ध धर्म में प्राचीन पवित्र माना जाता है, काफ़ी प्राचीन समय से है, और बहुत सारी बातें आप इससे संबंधित बना सकते हो कि इसका शेप ऐसा होता है, उसमें हर्मिका लगी होती है, उसमें ऊपर छतरी लगी होती है और राउंड होता है, उसमें घूमा भी जा सकता है, चारों तरफ से घेरा जाता है ताकि वो दुनिया से अलग लगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप इसके बारे में बता दोगे। लेकिन अमरावती स्तूप वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है। तो ये अमरावती का स्तूप क्या है और स्तूप की खोज कैसे हुई और कैसे ये खत्म हो गया, क्यों नष्ट हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, तो इसे समझिए। तो देखिए अमरावती का स्तूप जो है वो एक स्तूप था जो कि नष्ट हो गया। इसको आखिर नष्ट किसने किया, आखिर कौन इसको ले गया और क्यों खराब कर दिया गया, क्या कारण थे, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनेंगे, तो आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए स्तूप को नष्ट होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण जो आप देखोगे, एक स्थानीय राजा थे, वो चाहते थे कि मैं एक अच्छा सा मंदिर बनाऊं, तो इन्होंने मंदिर बनाने के लिए इनको चाहिए था बहुत सारा सामान, पत्थर वगैरह भी चाहिए होते थे। तो एक बार क्या हुआ कि 1796 में एक स्थानीय राजा जो थे वो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक उन्हें अमरावती स्तूप के अवशेष मिले, उनको पता लग गया कि भाई यहाँ पे कोई स्तूप वगैरह कुछ था, उसके अवशेष जो थे इनको मिल गए और उन्होंने वहां मिले पत्थर का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो पत्थर है बहुत अच्छे हैं, अमरावती के स्तूप वाले जो पत्थर है बहुत अच्छे हैं, इसको मैं क्या करूं, इसका मैं इस्तेमाल कर लेता हूं, किसमें, मंदिर बनाने में। उन्हें लगा कि ये जो छोटी सी पहाड़ी है इसमें जरूर कोई ना कोई खजाना है, तो उन्होंने उसको खुदवाया, वहां से पत्थर वगैरह जो थे वो ले गए। तो यहां से कुछ एक इन्होंने अपना योगदान दे दिया उसको नष्ट करने में ये राजा। फिर दूसरे लोग जो थे उन्होंने भी उसको खूब बर्बाद किया। तो कॉलिन मैकेंजी नाम के एक अंग्रेज थे, ये अंग्रेज अधिकारी जो थे कॉलिन मैकेंजी इस स्थान से गुजरे, इन्होंने यहाँ पे मूर्ति कला और इसको देखा, तो यहाँ पे कई चित्रकारी वगैरह बनाई, कुछ रिपोर्ट वगैरह भी इन्होंने बनाई थी, पर वो रिपोर्ट वगैरह पब्लिश नहीं की गई थी, ठीक है। तो कॉलिन मैकेंजी का ज़्यादा रोल नहीं है यहाँ पे। इससे देखिए गुंटूर, ये आपको ध्यान रखना है, गुंटूर जो है आंध्र प्रदेश, यहाँ के जो कमिश्नर थे, ठीक है, गुंटूर के जो कमिश्नर थे, 1854 में गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती क्षेत्र की यात्रा की और वे कई मूर्तियों और पत्थर के टुकड़ों को वहाँ से ले गए। यानी पहले वो राजा, स्थानीय राजा ले गया था, अब इन्होंने देखा ये भी वहाँ से मूर्ति और पत्थर के टुकड़े ले गए, कहाँ पे ले गए, यहाँ से मद्रास लेके चले गए। और इन पत्थर को इस कमिश्नर के नाम पर ही एलियट संगमरमर के नाम से भी बुलाया जाता है, जाना जाता है। इन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज लिया
और ऐसा निष्कर्ष निकाला इन्होंने, कहा कि जो अमरावती का स्तूप है वो बौद्ध धर्म में बौद्ध लोगों का सबसे विशाल और सबसे शानदार प्राचीन स्तूपों में इसका नाम आता है। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा। अब आगे देखते हैं और किसने इसको बर्बाद किया है। तो 1850 के दशक के बाद दशक में अमरावती के स्तूप के पत्थर को अलग-अलग स्थान पर ले जाया गया। कुछ पत्थर कलकत्ता ले गए, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो था वहां पहुंचा दिया गया। कुछ पत्थर मद्रास ले गए, कुछ पत्थर लंदन तक ले गए यहाँ से। तो इन स्थानों पर जो भी अंग्रेज अधिकारी आते थे उन्हें कुछ ना कुछ पसंद आता और कुछ ना कुछ यहाँ से लेके चले जाते। तो जैसे जैसे मान लो कोई वहां पे सामान है, अगर जो भी आएगा लेके जाएगा लेके जाएगा लेके जाएगा, तो वो सामान तो खत्म हो जाएगा। तो वहां के जो पत्थर थे वो खत्म हो गए, वहां की जो मूर्तियां थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। इस तरीके से जो अमरावती का स्तूप जो था वो धीरे धीरे क्या हो गया, नष्ट होने लगा। लेकिन यहीं पे जहां पे सब इंसान कुछ ना कुछ ले जा रहे हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति ऐसा था जो बहुत अलग सोच का था। उस व्यक्ति का नाम था H.H. कॉल। H.H. कॉल एक अलग सोच का व्यक्ति क्यों था? क्योंकि ये ऐसा मानता था कि देश की जो प्राचीन कलाकृतियां हैं, जो भी प्राचीन इमारत, प्राचीन मूर्ति, प्राचीन पत्थर, प्राचीन कुछ भी प्राचीन अगर बना हुआ मिलता है, तो ये कहते थे इसको लूट कर ले जाना अच्छी बात नहीं, इसको ले जाना नहीं चाहिए। ये कहते हैं कि संग्रहालय में, म्यूजियम में जो हम मूर्तियां लगा देते हैं, हम अलग अलग तरह की चीजें लगा देते हैं, कहते हैं ये सही नहीं है। मूर्तियों को लगाओ लेकिन उसकी प्लास्टर प्रतिकृति रखनी चाहिए, यानी कि देखिए ओरिजिनल चीज नहीं लगानी चाहिए म्यूजियम में। ये कहते हैं कि उसकी कॉपी लगा दो वहां पे, और असली कीर्ति जहां पर रखी गई है उसको वहीं पे रखी रहनी चाहिए। इनकी सोच बिल्कुल अलग है, लेकिन इनकी सोच को किसी ने नहीं माना। जिसका जितना बस चला वो उतना उस स्तूप को लूट कर ले गए और वो स्तूप धीरे धीरे नष्ट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो यहां से आपको इतना समझ में आ गया, और अब यहां पे हमें तीन पॉइंट याद रखने हैं। तीन पॉइंट कौन कौन से, किस किसने अमरावती के स्तूप को वहां से लूटा है या वहां से ले गए हैं, तो आपको यहाँ पे वापिस आना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सबसे पहले एक राजा थे जिन्होंने मंदिर बनाने के लिए वहां से पत्थर वगैरह यूज किए होंगे। उसके बाद कॉलिन मैकेंजी ने तो यहाँ पे चित्रकारी खाली की थी, ये तो नहीं ले गए वहां से, शायद ऐसा कहा जाता है। गुंटूर के जो कमिश्नर थे वो ले गए यहाँ से जो भी इनको मिला। ठीक है, इसके बाद 1850 के दशक में और भी जो लोग आते गए, अंग्रेज अधिकारी आते गए, वो भी यहाँ से ले गए सामान, यहाँ से कलकत्ता, मद्रास और लंदन तक सामान ले गए। मतलब सामान का मतलब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है मूर्ति, पत्थर, तोरण द्वार या कोई भी डिजाइन हो वो सब वहां पे ले गए। ठीक है, वहां से तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आपके पेपर में जो आता है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि सांची का स्तूप जो था वो बच गया, सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? तो इसका आंसर देखो, अमरावती की खोज पहले हो गई, ठीक है, एक ये कारण है, इसलिए नहीं बच पाया। फिर अमरावती के स्तूप के संरक्षण की व्यवस्था नहीं हो पाई, जैसे कि आपको पता है सांची के स्तूप का भी यही हाल होता। सांची के स्तूप में भी तोरण द्वार ले जाना चाहते थे फ्रांसीसी और अंग्रेज, लेकिन वहां की जो बेगम थी उस बेगम ने क्या करा, उसको ले जाने से बचा दिया, उनको प्लास्टर की कृति बना के दे दी सेम टू सेम, और वो उससे सेटिस्फाई हो गए, उसको ले गए। तो आप समझ गए ना, वो प्लास्टर की कृति से ही सेटिस्फाई हो गए, उसको ले गए। लेकिन ऐसा संरक्षण अमरावती के स्तूप में नहीं हो पाया, यहाँ तो जिसको जो मिला वो वही लेके चला गया। तो विद्वान जो थे वो अमरावती के महत्व को नहीं समझ पाए, और 1818 में जब सांची के स्तूप की खोज हुई, उस समय तक तो मतलब अमरावती का स्तूप काफी ज्यादा लूट चुका था, वहां से सामान जा चुका था, ठीक है, पत्थर वगैरह सब कुछ ले जा चुके थे। उस समय ये स्तूप, जिस समय में ये सांची के स्तूप की खोज हुई थी उस समय ये स्तूप अच्छी हालत में था। इस समय में इसके जो तोरण द्वार थे, तोरण द्वार थे उसमें तीन, तो टोटल चार तोरण द्वार की बात की गई है, जिसमें से तीन तोरण द्वार तो सही ठीक ठाक खड़े थे अपने स्थान पे वैसे ही थे, लेकिन एक तोरण द्वार जो था वो गिरा हुआ मिला है, तो उसको भी बाद में रिपेयर वगैरह किया गया होगा, उसको ठीक कराया गया होगा। ठीक है, तो सांची के तोरण द्वारों को भी अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने देश ले जाना चाहते थे, लेकिन इसका संरक्षण कर लिया गया जिससे मूल कृति बच गई। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें अमरावती के स्तूप की, तो उसकी कोई संरक्षण नहीं किया गया, उसको किसी ने बचाया नहीं, बल्कि उसको तो सब ने अपने अपने हिसाब से उसमें से सामान ले जाते गए। तो ये था। अब यहां पे मेरा आपसे आज का एक क्वेश्चन है, आप मुझे आंसर दें। यहां पे एक पॉइंट आपको ए दिखाई दे रहा है, एक पॉइंट आपको बी दिखाई दे रहा है, तो आप मुझे बताएं कि इसमें से कौन सा पॉइंट है जो सांची का स्तूप जहां पे सांची हो सकता है, और इसमें से कौन सा पॉइंट है जहां पे अमरावती हो सकता है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये पार्ट हमारा था थर्ड। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको सांची का स्तूप, ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और आपको फिर अगले वीडियो में खत्म हो जाएगा चैप्टर। और आगे जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा उसमें से एक दो चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, वहां से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग से ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आगे से ही आते हैं।